हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोहित गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल क्रैक कंपटीशन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन जो रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी, किस पोस्ट पर आपकी रिक्रूटमेंट है, जूनियर सोनोग्राफर की आपकी पोस्ट आने वाली है। तो जितने भी 12th पास कैंडिडेट्स हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे वो क्वालिफिकेशन हो, नंबर ऑफ वैकेंसी हो, किस तरीके से अप्लाई करना है, तो हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, विदाउट स्किपिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि जो हमारे चैनल है ऑफलाइन सेक्शन में और ऑनलाइन सेक्शन में बेस्ट वैकेंसीज के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर मिलती रहती है। और वीडियो को लाइक कर देना आपको ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए। नाउ स्टार्ट करते हैं अपनी जो वैकेंसी के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल रही होगी। दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल रही होगी, जो कि 2022 से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। किस तारीख से, जैसे कि मैं आपको हर एक चीज़ में सारी मेंशन है और आपको हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप जो स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, हम आपको ये व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर देंगे। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर ईजिली जाकर ज्वाइन हो सकते हो। और कोई क्वेरी वगैरह भी रहती है इससे रिलेटेड तो आप हमारे को व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हो, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। और अभी तक हमने 1000+ लोगों के डाउट सॉल्व भी करें, तो कोई भी परेशानी हो तो आप यू कैन मैसेज आप टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें भी ज्वाइन होकर आप मैसेज करना चाहें तो कर सकते हो। मैं बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो दिल्ली अर्बन आर्ट रिक्रूटमेंट ये आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन रिक्रूटमेंट 2022 है। बात करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी है या प्राइवेट डिपार्टमेंट में, ये आपकी जो कि है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डिपार्टमेंट है जो कि दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन रिक्रूटमेंट है। इसमें आपकी किस पोस्ट पर वैकेंसी है, जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है आपकी मैंने बता दिया, जितने भी 12th पास कैंडिडेट्स हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो जॉब लोकेशन रहने वाली है दिल्ली में ही आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, तो अच्छी बात आपके लिए। दिल्ली में आपकी जॉब लोकेशन होती है तो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलती है दिल्ली में हिसाब से। काफ़ी एक्स सिटीज के अंदर काफ़ी अलाउंस आपके होते हैं DAT HRA वगैरह मिला के, तो आपकी काफ़ी अच्छी खासी नाइट सैलरी आपको बनती है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बताया दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन रिक्रूटमेंट, इस डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। जूनियर स्टेनोग्राफर की जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं इस वैकेंसी में कोई फीस वगैरह रखी गई है, डिमांड नहीं रखी गई कि आपकी जो भी फीस वगैरह की, कोई भी ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिमांड नहीं रखी गई है, कोई फीस वगैरह नहीं रखी जाएगी। ऑल ओवर इंडिया के जितने मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी भी बताऊंगा किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बाकी इसके लिए आपको जब भी मैं बताना चाहूँगा, इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने होंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि इस वेबसाइट पर आपको विजिट करके इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन देने हैं, कब तक इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हो, स्टार्ट डेट लास्ट डेट। और ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो हमारे चैनल जूनियर स्टेनोग्राफर की ऑफिस में बेस्ट वैकेंसीज के अपडेट्स हमारे चैनल कवर करता रहता है, तो सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन होना आने वाली लेटेस्ट वैकेंसीज के अपडेट्स पाने के लिए। हम स्टार्ट करते हैं। जो नेम ऑफ पोस्ट आप देख सकते हो, जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, तो जूनियर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है ऑलमोस्ट आप सभी को पता ही होगा, 12th पास कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जूनियर स्टेनोग्राफर की। जैसे कि आप देख सकते हो आजकल जो जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है काफ़ी मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट आपकी देखने को मिलती है। ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी डिमांडिंग पोस्ट है, काफ़ी टफेस्ट कॉम्पिटिशन आपको इस पोस्ट में देखने को मिलता है। तो जिस भी जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सटर्नल स्पेशलिटी इसमें क्वालिफिकेशन आपकी नहीं मांगी है। बाकी आप ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएट हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन में मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई गई है, आप 12th पास हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपके पास 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, साथ ही आपके पास शॉर्ट हैंड की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास 12th पास हो, साथ ही आपके पास टाइपिंग की नॉलेज है, शॉर्ट हैंड की नॉलेज है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपकी रहने वाली है जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। तो मैंने आपको बताया क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 40 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्यूटर पर। और आपकी जो शॉर्ट हैंड मांगी है 80 वर्ड पर मिनट की आपकी शॉर्ट हैंड मांगी है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आपके लिए दोनों तीन चीज़ आपकी मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, 12th पास के साथ साथ आपको टाइपिंग प्लस शॉर्ट हैंड, ये तीनों चीज़ आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो एक ही पोस्ट पर आपकी भर्ती रखी गई है, क्योंकि अनरिजर्व कोई भी कैटेगरी वाइज फिक्स नहीं है, तो आपकी जो जनरल कैटेगरी के लिए फिक्स रखी गई है पोस्ट, तो जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल पोस्ट भी आपकी एक ही देखने को मिलेगी। और बात करते हैं सैलरी कितनी मिलने वाली है आपकी इससे रिलेटेड, क्योंकि जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है तो आपकी जो सैलरी मिलने वाली है इस पोस्ट रिलेटेड 4th की सैलरी है। 4th की जो सैलरी आपको देखने को मिलेगी दिल्ली के हिसाब से, इसमें आपकी जो सैलरी बनती है 25,500 से 81,100 रुपये के बीच आपकी जो सैलरी बनती है जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट की। जूनियर स्टेनोग्राफर में जो आपकी रहती है 25,500 जो होता है स्टार्टिंग का जो होता है, किसी भी सैलरी में किसी भी पोस्ट का जो स्टार्टिंग का अमाउंट होता है उसका जो होता है वो बेसिक पे होता है। ये आपका जो है ना
बेसिक पे है 2500। इसमें काफ़ी अलाउंस ऐड होते हैं, प्लस में आपके जो अलाउंस ऐड होते हैं, जो कि मैं दिल्ली में आपको बताया, दिल्ली में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, तो दिल्ली के हिसाब से जो भी आपके डी होंगे, डीएनएस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस का, तो काफ़ी अच्छे खासे अलाउंस आपके ऐड होते हैं, तो आपकी अच्छी खासी इनहैंड सैलरी आपकी बन जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट 40+ के अराउंड आपकी बनती है। तो ये काफ़ी अच्छी खासी चीज़ है, आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की काफ़ी डिमांडिंग पोस्ट है, तो आप इसके लिए जितने भी दिल्ली के सिटीजन हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ बारी पास कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी मानी गई है। अब बात करते हैं एज लिमिट क्या रखी गई है। इसकी जो एज लिमिट पर अगर हम बात करते हैं, तो आपकी एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल की, कैंडिडेट्स जितने भी हैं आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल आपको देखने को मिलेगी। जनरल कैंडिडेट्स के लिए अगर हम बात करें, ये जो एज लिमिट देखने को मिलेगी ये सिर्फ है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। बाकी जो भी है रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता ही है, चाहे वो ओबीसी से हो, तो ओबीसी से आपको जो भी बिलोंग करते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, एंड जो भी एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। 25 में आपकी प्लस हो जाएगी 28 साल तक ओबीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, और 30 साल तक आप एससी एसटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, और मिनिमम तो 18 है रखी ही गई है। नाउ बात करते हैं, ये सभी मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन की जो रिक्रूटमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है। इसके एप्लीकेशन किस तरीके से स्टार्ट हो चुके हैं, और आज ही से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और इसके लिए मैंने आपको बताना चाहूँगा ऑनलाइन एप्लीकेशन देने होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो चुके हैं वेबसाइट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एप्लीकेशन जो है स्टार्ट डेट आप किस तरीके से देख सकते हो, 1st of October 1 अक्टूबर 2022 से इसके एप्लीकेशन आज से ही इसकी वैकेंसी जो आउट हुई है और इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो इस वैकेंसी रिलेटेड 21 अक्टूबर आपको देखने को मिल रही होगी, 21 अक्टूबर 2022। तो 21 दिन का आपको अच्छा खासा समय देखने को मिलता है, तो 21 दिन के दौरान अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप इजीली, और किसी को कोई परेशानी समस्या हो उसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हो, तो यू कैन मैसेज भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। कोई भी क्वेरी हो तो आप वो भी पूछ सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो, हम आपका जरूर रिप्लाई देंगे। इस तरीके से मैंने आपको वेबसाइट बताई, जो कि DUAC की दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन exam.in/DUAC। इस वेबसाइट पर आपको इजीली आवेदन देना है, आप रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म फिलअप को आगे जो फर्दर प्रोसेस उसको कंप्लीट कर सकते हो। और ये जो वैकेंसी है इसका मैं बताना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट प्रोसेस अगर रखा जाएगा, जैसे कि आपका जो भी सिलेक्शन होगा, आपका रिटन एग्जामिनेशन एकदम फर्स्ट ऑफ ऑल कराया जाएगा, नेक्स्ट आफ्टर आपका स्किल टेस्ट, और जो भी शॉर्ट एंड वगैरह हर एक चीज़ आपकी फास्टेस्ट कराई जाएगी। और इसका जो वैकेंसी का एक प्रोसेस है, एक ही वैकेंसी रखी गई, तो काफ़ी फास्टेस्ट सिलेक्शन आपका इस वैकेंसी में होने वाला है। आपका जो देख सकते हो, आपका जो रिटन एग्जाम या फिर स्किल टेस्ट आप कह सकते हो, ये दोनों चीज़ आपकी जो होने वाली है नवंबर के मंथ में होने वाली है। तो जो भी है अक्टूबर में आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है, और अगले ही महीने आपकी एग्जामिनेशन वगैरह होने वाला है, तो हर एक चीज़ आपको जो भी एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस हैं, हर एक चीज़ आपको जो भी डाउट वगैरह होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में ला कर हर एक चीज़ क्लियर कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपडेटेड रहना है ऐसी लेटेस्ट वैकेंसीज के अपडेट्स, जो कि स्टेनोग्राफर की स्पेशली हमारे चैनल कवर करता है ऑफलाइन सेक्शन में। और सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका बेसिक है, आपका जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, नेक्स्ट आफ्टर जो भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट में आपको पता ही होगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि आपकी जो भी 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आएंगी इंग्लिश में, और नेक्स्ट आफ्टर आपका शॉर्ट हैंड होने वाला है, शॉर्ट हैंड में आपकी 80 वर्ड पर मिनट की जो शॉर्ट हैंड स्पीड मांगेंगे इंग्लिश में। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड अवगत कराया, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी आशा करता हूँ। और बाकी आपको जो भी है इसकी नोटिफिकेशन की PDF वो हमारे चैनल आपको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर देगा, और इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस जो भी नेक्स्ट प्रोसेस आपको इस वीडियो पे अगली आने वाली वीडियो पे सब चीज़ बताई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकता है, कमेंट में भी पूछ सकता है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।